कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पहली बार चर्चा में तब आए थे जब एक डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल पूछा था कि एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों और मूल विचारों को छोड़कर आगे बढ़ रही है, मैं उससे आहत हूँ और मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं धर्मद्रोही नहीं बन सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं आज कांग्रेस से सभी पदों से पद मुक्त हो रहा हूँ। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में बल्लभ ने लिखा, नमस्कार, भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। फिर मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छिपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव बल्लभ ने आगे लिखा, मैं वित्त का प्रोफेसर हूँ। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे ये महसूस हुआ है कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से ज़रूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। गौरव बल्लभ ने आगे लिखा, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं शुद्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया गया है। देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नज़रिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? गौरव बल्लभ ने आगे लिखा, महोदय, जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी उस वक्त मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता व क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूँगा। हम सत्ता में भले ही नहीं हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहद तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे जैसे आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आभारी रहूँगा।